दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच हेडिंगले क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है और अब तीसरे मैच में भी भारतीय टीम की यही कोशिश रहेगी कि इंग्लैंड की टीम को धूल चटाई जाए। वैसे दोस्तों, इससे पहले भारत ने इस ग्राउंड पर कपिल देव की कप्तानी में मैच जीता था। हालांकि यह मैच भारतीय टीम ने 1986 में जीता था। तब टेस्ट सीरीज में भारत ने 2 मैच जीते थे जबकि एक बिना फैसले के समाप्त हुआ था। हालांकि इसके बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंग्लैंड में भारत ने एक टेस्ट सीरीज में 2 टेस्ट मैच जीते हों। इसके अलावा एक खास बात यह भी है कि कपिल देव की कप्तानी में 1986 की ही सीरीज में भारत ने पहली बार लीड्स के मैदान पर पहला टेस्ट मैच जीता था। और अब अगर हेडिंगले के मैदान पर यह मैच भारतीय टीम जीत जाती है तो विराट कोहली की अगुवाई में टीम 34 साल पुराना इतिहास दोहराएगी। तो वहीं इस दौरान भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के पास भी एक रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा। कमाल की बात तो यह भी है कि यह रिकॉर्ड भी कपिल देव के नाम है। बता दें, कपिल देव सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने 25 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने का कारनामा किया है, जबकि बुमराह अभी तक 22 टेस्ट मैचों में 95 विकेट ले चुके हैं। ऐसे में उनके पास कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा। दोस्तों, इसी तरह की और क्रिकेट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल में ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें।